Question number 16. If AD and PM are medians of triangles ADC and PQR respectively, where triangle ADC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD. So triangles given hai ABC or PQR, unke medians given hai, medians given hai, to kya mila hai isse? सिमिलैरिटी का क्योंकि कंसेप्ट है, तो मैं आप देखते होंगे कि एक फिगर हमेशा बड़ी बना रही हूँ और एक उससे स्लाइटली छोटी हूँ। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR। AD यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड दूसरा कौन सा है? M। अब ABC सिमिलर गिवन है PQR। व्हाट डज दिस इंप्लाई? सारी साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल है। एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है एंड सी आर के इक्वल है और साइड कैसे प्रोपोर्शनल है? ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट वाली टू इधर से फर्स्ट वाली टू, देन बी सी अपॉन क्यू आर फर्स्ट और थर्ड से ए सी अपॉन पी। ये मुझे सारा गिवन, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल गिवन, मतलब ये इंफॉर्मेशन गिवन। सो क्या करते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी ए। ये मुझे शो कर। अब ए बी और ए डी अगर मैं बात करूं और दूसरी तरफ अगर पी क्यू और पी एम की बात करें तो ये अब इनसे ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होगा? यहाँ से साथ में बी डी लेना पड़ेगा, यहाँ से साथ में एम डी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल में हमें ए बी और पी क्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, बी सी और जो क्यू आर मुझे गिवन है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बी सी का, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो उनके हाफ भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी अपॉन सी क्यू में यहाँ पे बी सी को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ गिवन वाले में? ट्वाइस ऑफ बी डी और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एम। अब नेक्स्ट, दो साइड हमने प्रोपोर्शनल कर दी, क्या कह रहे हो बेटे आप? हाँ जी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। तो एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स सिमिलर है तो क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये अगर मैं बीच में से स्किप कर दूं तो दिस वॉज माई रिजल्ट विच वॉज टू बी, ठीक है जी। एनी डाउट क्योंकि ना वैसे तब आपकी सॉल्यूशन से सारे बता रहे हो, तो आई होप कि कंसेप्ट क्लैरिटी है आपकी। हम जो बीच में नहीं बोल रहे उनका थोड़ा सा योगदान मिलेगा तो दैट इज बेटर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके बेस आपकी जो थ्योरम है इज द डिलीटेड वन, ओनली द रिजल्ट्स आर टू बी यूज, ठीक है। थ्योरम देखो क्या थी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो उनके एरिया की जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मुझे एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, दूसरी ट्राइंगल डीईएफ गिवन है। इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी एंड डीईएफ दैट विल बी गिवन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, ए बी सी सिमिलर बी ई एफ सी, व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड? ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी ई, देन
BC के corresponding EF and then अब उसने क्या कहा, थ्योरम क्या कहती है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, तो ये स्क्वायर, यानी कि जब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या करेंगे उसका रूट लें, और अगर साइड का रेशियो गिवन है तो उसका स्क्वायर लेके एरिया रेशियो ऑफ एरियाज निकाल, एरिया गिवन है साइड्स का रेशियो निकालना है तो क्या करोगे स्क्वायर रूट ले लोगे, साइड्स का रेशियो गिवन है एरिया निकालना है तो स्क्वायर्स लेके रेशियो, ठीक है, तो ये हम जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि अब ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स जो भी आपको गिवन है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आप रेशियो ले रहे हो स्क्वायर्स ऑफ साइड्स की, साइड्स शुड बी कॉरेस्पॉन्ड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी ई, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी एफ, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी एफ, तो जो भी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल आप ये साइड से कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है, नहीं एक कोई भी एक जो भी गिवन होती है अकॉर्डिंग टू, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121 ईएफ 15.4 टू फाइंड बीसी, एबीसी किसके सिमिलर गिवन है डीईएफ के, तो साइड्स कौन-कौन सी होंगे बोलो जी, बीसी हमने निकालनी है, ईएफ हमें 15.4 सेंटीमीटर गिवन है, इसका एरिया हमें 64 गिवन है, इसका एरिया हमें 121 गिवन है, तो सेम थ्योरम का रिजल्ट यूज करोगे, एरिया एबीसी एरिया डीईएफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ, तो एबीसी ऊपर है तो बीसी स्क्वायर ऊपर आएगा, ईएफ स्क्वायर नीचे आएगा, अब इन 4 में से 1 2 3 वैल्यूज वी आर हैविंग सो वी कैन फाइंड आउट द 4, सो दिस इज 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट करना है, दिस इज 15.4 का सो 64 अपॉन इधर स्क्वायर करते हैं यहां हम इसको ओके वी विल राइट इट डाउन 8 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, तो इसको taking square root on both sides so we will be having 8 upon 11 is equal to BC upon 15.4 8 into 15.4 is equal to BC upon 11 hai ye cancel out ho jayega 1.4 pe so what will be the answer so BC will be 11.4 okay clear एग्जाम्पल 9 देखिए, सी द एग्जाम्पल 9, इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिनके एरिया क्या है इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ एबीसी is equal to किसके इक्वल आएगा पहले ये देखो स्टेटमेंट इतना बार समझो हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी इसमें वो कह रहे हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी such that this divides the triangle into two equal areas yani ki ye wala area ye wala area aur ye wala area both of these are equal triangle
यही कहा कि दोनों ट्रायंगल के एरिया इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. ये पार्ट्स के एरिया इक्वल है. नो स्टेटमेंट समझ आई है. एबीसी ट्रायंगल गिवन है इन विच एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू एसी सच दैट एक्स वाई डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है. इन दोनों के एरिया क्या है? इक्वल. यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है दैट विल बी डबल ऑफ दिस बी एक्स वाई. गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर मैं एक इक्वल पार्ट की बात करती हूँ तो दिस इज वन पार्ट आउट ऑफ दीज टू पार्ट. फ्रैक्शन का कंसेप्ट किया हुआ है आपने, वो यहाँ लिखो. यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी इज डबल ऑफ एरिया ऑफ एक्स बी. गॉट इट नाउ? तो यहाँ पे इन्होंने आपको ये निकाल के दिखा दिया एरिया ए बी सी और रेशियो एरिया एक्स बी वाई कितना आ गया, 2:1. क्लियर है? ये निकालना क्या था इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स इज टू ए बी. ये एंड टू ये रेशियो हमने निकाला. अब हमने एरिया की रेशियो निकाल ली, साइड्स की रेशियो निकालनी है. दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी बन रही है? ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये रेशियो हमने निकाल ली है. यहाँ से ए बी और एक्स बी आ जाएगा. हमें रेशियो किसका निकालना था, ए एक्स और ए बी का. ये रूट 2:1 आ जाएगा. स्क्वायर रूट लोगे तो ए बी रेशियो एक्स बी इज रूट 2:1. और हमें किसका निकालना है रेशियो, किस किसका निकालना है, ए एक्स और ए बी का. ठीक है, तो अगर ए बी फुल साइड में 1 लेके चलती है तो ये कैसे निकलेगी, सॉरी ए एक्स हमने निकालनी है. That will be 1 minus x b. Minus कर दोगे उसमें से x b क्या आएगी, क्या लोगे x b को, x b 1 करते a b को 1 मानने 1 minus क्यों हाफ थोड़ा करो कमेंट पॉइंट थोड़ा किसने आया x b को 1 है x में 1 निकाला उसके कंपैरेटिवली रेशियो निकाल. अब a b को मैंने क्या माने, a b को मैंने 1 माने है. ए बी को 1 माना मतलब दोनों तरफ मैंने रूट 2 से डिवाइड की तो ये 1 हो गया. ये रेशियो क्या रह गया, 1/√2. अब ए एक्स क्या आएगा, 1 - 1/√2. गॉट इट? क्लियर है? तो फिर ए बी का और ए एक्स का रेशियो आप निकाल दो. बोर्ड वालों का दिमाग का कुछ नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. टॉपर्स तो बुक में है. सेम चीज है, बस ये मैंने आपको समझा दी है. बुक में देखोगे तो आपको क्लियर होगा. बुक में उन्होंने ट्रायंगल सिमिलर करके जो कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने आपको डायरेक्ट. लाइफ की प्रॉब्लम से ना भागते नहीं होते, उसको फेस करते होते हैं अगर सक्सेसफुल होते. चलिए सेकंड क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल डीसी. तो एबी पैरेलल डीसी लेके ये हमने ट्रेपेजियम बना दिया. इक्वेंस पे आपने लिखना है इसका. अब इसके डायगोनल्स की बात हो रही है तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिए. दीज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. If AB is twice of CD, then find the ratio of the areas of the triangle AOB and CD. बताओ. पहले इनको सिमिलर किसको करें, कैसे करें? ये एंगल और ये एंगल
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल कौन बोला प्रोपोर्शनल के पीछे बढ़ जाएगा है ना। चलो ये कंसेप्ट क्लियर। क्यों लिया ये? क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है और हमने ये थ्योरम दी है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब ए बी को क्या लिख लेंगे? ये मैंने ठीक ठीक है, इज इट करेक्ट? वेयर इज वन मिस्टेक? या ब्रैकेट डालू यहाँ पे या यहाँ पे आएगा ए बी? अगर सी डी है तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? 4cd2। और एक चीज का ध्यान रखना है, साइड से जब ए बी स्क्वायर है तो ये सिर्फ बी का स्क्वायर नहीं है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस फुल साइड ए। ठीक है, तो cd square कट गया, रेशियो के आगे 4:1। तो ये सारे मतलब ओरल होने वाले हैं क्वेश्चंस आपके। थर्ड पे आइए। इन द गिवन फिगर abc एंड dbc आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस bc। इसी तरह का बेस ही मैंने लिखा है। If AD intersects BC at O, show that area of ABC and DBC is AO upon BO. These two are intersecting at O. So, हमें show क्या करना है? That. हाँ जी. ये और ये वाला देखते हैं. तो क्या करें? AO और BO. एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। इफ ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट ए बी सी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। हाँ जी, क्या क्या गिवन है एक बार दोबारा? हमें शो क्या करना है? दैट एरिया ए बी सी एंड डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। उन्होंने वो क्वाड्रिलेटरल थोड़ा दिया हुआ है, उन्होंने एक सेकेंड आपको विद सेम बेस बीसी गिवन है ना, तो उन्होंने ऐसे बना दिए, ये बेस लेके ये दो ट्राइंगल तब उनका क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलो आप बताओ ए ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि ये हमें शो करना था तो इसलिए इनको भी ज्वाइन करके उन्होंने दिखाया। एरिया कितना निकालना है? एबीसी एंड अब देखो ट्राइंगल
लेकिन सी आपकी ये बन रही है और डी भी आपकी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला हाफ इंटू आप एल्टीट्यूड कहाँ है ड्रॉ कर ले ये मैंने एल ले लिया उसके बाद इधर से मैंने एन ले लिया ठीक है अब ये एंगल और ये वाले एंगल्स दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे क्या होंगे दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री सिमिलर सिमिलर हो गए कौन कौन सा एओ एंड बी ओ एन ये ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए सिमिलर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए यानी कि ओ ए अपॉन ओ डी is equal to OL upon OM is equal to AL upon BL यानी कि ये proportional अब हमने क्या क्या ले लिया AL BM इधर से AO OD ये हमने proportional show कर दिए हमें proof क्या करना है अब area क्या area ABC that is half into base क्या है BC into altitude क्या है AL अब इधर आओ हाफ इंटू बेस क्या है बीसी एल्टीट्यूड क्या है प्रोपोर्शनल तो एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीबीसी किसके इक्वल आ गया एएल अपॉन बीएम और एएल अपॉन डीएम किसके इक्वल हम शो कर चुके हैं ओए अपॉन ओबी तो यही चीज हमें क्या करनी थी दोबारा हमें क्या गिवन था विद सेम हमें क्या गिवन है एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस ये बेस दिया बीसी ठीक है एक ट्राइंगल ये बन गया एबीसी एक ट्राइंगल ये बन गया अब उसने क्या कहा शो करना है दैट द रेशियो ऑफ दीस इज इक्वल टू AO अपॉन OB अब ध्यान से समझना हमने क्या किया पहले ट्राइंगल्स देख लिए कौन कौन से हैं ये ट्राइंगल आपका ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड मैंने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया A है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड सेम थिंग एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड मैंने ये भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो हाफ इनटू बीसी इनटू बी हाफ और बीसी कट गया एरियाज के रेशियो क्या आ गई एल अपॉन डी है लेकिन उसने मुझे एरियाज की रेशियो क्या प्रूव करने को कहा एओ अपॉन बी हमने क्या किया एल अपॉन डी एम को प्रूव कर दिया कि ये एओ अपॉन ओडी के इक्वल तो फिर यहाँ पे उसको ये हटा के ये रिप्लेस इनको प्रोपोर्शनल शो करने के लिए हमने क्या किया एक ट्राइंगल ये वाला लिया और एक ट्राइंगल ये वाला इसमें दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 90 डिग्री तो साइड ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शनल देखो बेटा दिया